दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ काफ़ी यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों हम जब भी अपने स्मार्टफोन में यूट्यूब का यूज़ करते हैं सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि हम अगर किसी भी सॉन्ग या फिर किसी भी वीडियो को प्ले कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन को ऑफ़ करके सोचें कि साउंड आता रहे बाकी मेरी स्क्रीन ऑफ़ रहे, तो ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है। और डायरेक्टली जैसे ही हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन को ऑफ़ करते हैं, हमारी जो वीडियो वगैरह है वो भी यहाँ पर ऑफ़ हो जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा एक ऐसा तरीका जो कि आपके स्मार्टफोन में इनबिल्ड है, बस आपको वो इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद में आप यूट्यूब पर अगर कोई भी वीडियोज़ वगैरह भी प्ले कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन को ऑफ़ करके भी सिर्फ और सिर्फ साउंड भी सुन सकते हैं। अब ये कैसे होने वाला है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। चलिए उसके लिए चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक यार इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों किसी भी YouTube वीडियो को डायरेक्टली बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए आपको क्या सेटिंग करनी होगी, सबसे पहले मैं आपको YouTube पे चल के यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कोई भी वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। आई थिंक आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो म्यूजिक है वो डायरेक्टली प्ले हो रहा है। और अगर मैं अपना यहाँ पर पावर बटन प्रेस करता हूँ, पावर बटन से मैं फ़ोन को बंद करता हूँ, तो म्यूजिक जो है वो बंद हो गया। और दोस्तों म्यूजिक के साथ साथ रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। तो ऐसे में अब अगर हम इसे प्ले करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली आपको चले जाना है स्मार्टफोन की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है, सर्च सेटिंग वाले सेक्शन पे जाकर के वीडियो टूल बॉक्स, वीडियो टूल बॉक्स, आपको वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, सिंपली आपको वीडियो टूल बॉक्स सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको इसे अगर ये डिसेबल है तो इसे आपको इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है वीडियो टूल बॉक्स को। और वीडियो टूल बॉक्स के बाद में शॉर्टकट वगैरह आपको रहने देना है। सिंपली आपको नीचे आना है मैनेज वीडियो ऐप्स पे, मैनेज वीडियो ऐप्स पे आकर के सिंपली यहाँ पर आप को YouTube यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ये आपका सेलेक्ट नहीं रहेगा तो ऐसे में आपको YouTube यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके साथ में आप चाहें तो और भी एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको अगर आप स्क्रीन बंद करके जिसकी जिससे आप यहाँ पर साउंड को प्ले करना चाहते होंगे। तो सिंपली हमने YouTube को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको बैक आ जाना है, बंद कर देना है। अब हम फिर से चलते हैं YouTube पे। अब हम YouTube पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर कॉर्नर में एक सेक्शन दिख रहा होगा, छोटी सी लाइन दिख रही होगी। जैसे आप इस पर प्ले कर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं, आपके सामने एक मेनू खुल करके आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने मेनू खुल करके आ रहा है। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहीं से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप यहाँ से कॉस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ में आप यहां पर स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, प्ले वीडियो साउंड विथ स्क्रीन ऑफ, ये सेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहीं से आपका ये जो म्यूज़िक है वो बैकग्राउंड में प्ले होगा। मैं डायरेक्टली इसको प्ले करता हूं और यहां पर आपको ऑफ करके दिखाता हूं। तो मे बी पॉसिबल है, हो सकता है कि इस रिकॉर्डिंग बंद हो जाए क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। तो ऐसे में मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, लेकिन जैसे आप इस पर प्रेस करते हैं साउंड ऑफ वाले सेक्शन पे, ये जो म्यूजिक है वो डायरेक्टली यहाँ पर आपकी स्क्रीन बंद हो जाती है और म्यूजिक चलता रहता है। तो ये तरीका है जिससे आप यहाँ पर बिना कुछ किए, बिना YouTube प्रीमियम वगैरह कुछ भी लिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर जो म्यूजिक है उसे बैकग्राउंड में ही प्ले कर सकते हैं। तो इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। अगर आप यहाँ पर सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, स्क्रीन ऑन रहती है, तो आप स्क्रीन ऑफ करके भी इस फीचर की मदद से यहाँ पर जो सॉन्ग वगैरह है उसे प्ले कर पाएंगे यूट्यूब पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिएगा। इसके साथ में वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा YouTube का यूज़ करते हैं, और ये जो फीचर है वो सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है।